लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। शुक्रवार को रात को महेश तल्ला के अंतर्गत सारंगाबाद अंचल में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला खरीदार बन करके दुकान में घुसी और विभिन्न प्रकार के सोने के गहनों को देखने लगी और देखते ही उसने कान के इयररिंग्स चुरा लिए। रात के समय जब दुकान के मालिक स्टॉक मिलाने बैठे तो देखा कि कान के इयररिंग्स मिसिंग है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो समझ में आया कि किस प्रकार से इस महिला खरीदार ने देखते देखते चुपके से वो कान के इयररिंग्स अपने पास रख लिए। यही महिला महेश तला के श्यामपुर में एक और ज्वेलरी की दुकान में देखी गयी। शनिवार रात को इस दुकान में यही महिला फिर से गई और जा करके फिर से दूसरे विभिन्न प्रकार के जेवरों को देखने लगी। दुकान में मालिक के ना होने पर कर्मियों ने मालिक को आने के लिए कहा। मालिक ने महिला को पहचाना और महेश तला थाने की पुलिस को खबर दी। महेश तला थाने की पुलिस ने आके महिला को गिरफ्तार किया। वहीं बताया जा रहा है कि महिला का घर मेटिया ब्रूज में है। उसके घर से विभिन्न विजिटिंग कार्ड्स, कान के इयररिंग्स और काफी ज्वेलरी उधार हुई है। अभी पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। माल কিনতে এসেছিল বার বার মাল বিভিন্ন রকম মাল চাইছে ঠিক আছে বিভিন্ন রকম মাল চাইছে ওর অত অভিজ্ঞতা নেই সঙ্গে সঙ্গে ও মাল দেখাচ্ছে তার মধ্যে থেকে মাল তুলে না আঙুলের রং দিয়ে তুলে নেয় দুটো মাল একটা হচ্ছে কানের দুল আর একটা হচ্ছে গোল্ড রিং বাউটি তুলে নেয় এবারে আমাদের তো রাত্রিবেলা স্টক মেলাতে গেছি মেয়েটা তো জানে না এবার স্টক মেলাতে যাচ্ছি দেখছি যে আমাদের কম শর্টেজ হচ্ছে তখন বললো যে তাহলে দেখো তুমি ভুলেতেই একটা ভদ্রমহিলা এসেছিলেন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তা আমাদের সেলস গার্ল ছিলেন উনি জিনিসপত্র দেখাচ্ছিলেন দেখাতে উনি দুজোড়া কানের চুরি করে নেন সেটা আমরা রাত্রিবেলা যখন স্টক মেলাই বা হুলসেল পুজো করি তখন ধরা পড়ে ঠিক আছে ধরা পড়তে আমরা একটু ফুটেজ ফুটেজ দেখি কিন্তু ওনাকে তো চিনি না কোথায় বাড়ি ফাড়ি জানি না ঠিক সেম ড্রেস পরে আজকে আমার শ্যামপুরের দোকানে ওই একই ড্রেস পরে বা একই সব ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে এসে ওই সোনার চেন ফেন দেখতে চেয়েছিল।